ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार, पगली सेल अभी बाकी है। ऑफिस आ रही थी ना, तो मेरी नजर सड़क पर जा रही दो गाड़ियों पर अटक गई। दोनों गाड़ियों के नंबर प्लेट पर मेरा ध्यान गया। एक की प्लेट सफेद रंग की थी और दूसरी हरे रंग की, और जैसे ही मैंने इन्हें देखा मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि गाड़ियों की अलग अलग कलर की नंबर प्लेट क्यों होती है, इन्हें ये नंबर प्लेट कैसे मिलती है, क्या इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं या कोई और फॉर्मूला होता है जिससे ये कलर्स मिल जाते हैं। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया ही होगा। तो चलिए आज समझते हैं गाड़ियों की नंबर प्लेट का सारा खेल। दो ऐसे कलर्स जो आपने नंबर प्लेट्स पर सबसे ज्यादा देखे होंगे वो हैं वाइट और येलो। इसके अलावा भी कई और कलर्स में गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सफेद रंग की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मान लीजिए चिंटू ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक गाड़ी खरीदी। अब जब वो गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करेगा तो उसे जो नंबर प्लेट मिलेगी वो सफ़ेद रंग की होगी, जिसमें काले रंग से गाड़ी का नंबर लिखा हुआ होगा। इस गाड़ी को चिंटू किसी भी तरह के कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट के काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो इसे सिर्फ अपने और अपने परिवार के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब मान लीजिए चिंटू का मन हुआ कि भाई उसे अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना है, या गाड़ी खरीदकर उसे ओला उबर या टैक्सी में चलाना है, यानी कुल मिलाकर उसका कमर्शियल इस्तेमाल करना है, तो चिंटू को जो नंबर प्लेट मिलेगी वो पीले रंग की होगी, जिस पर काले रंग से नंबर लिखा हुआ होगा। आपने मालगाड़ी, टैक्सी, ट्रक, टेम्पो में पीले रंग की प्लेट्स ज़रूर देखी होंगी। अब जी एक दिन चिंटू को लगा कि पेट्रोल डीजल तो बहुत ही महंगा हो गया है, ऐसी गाड़ी खरीदी जाए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, जिसे चार्ज किया और एकदम चल दिए। ऐसी गाड़ी की नंबर प्लेट होगी हरे रंग की। अब अगर चिंटू ने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ली होगी तो हरे रंग की प्लेट पर सफ़ेद रंग से नंबर्स लिखे हुए होंगे। अगर कमर्शियल यूज़ के लिए यानी कि टैक्सी में चलाने के लिए ली होगी तो नंबर्स सफ़ेद की जगह पीले रंग से लिखे हुए होंगे। पीले रंग की तरह काले रंग की प्लेट भी वाहनों के कमर्शियल यूज़ के लिए ही होती है, लेकिन ये अलग इसलिए है क्योंकि इन्हें खास व्यक्तियों के लिए खास मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये खासकर 5-स्टार होटल्स में गेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मान लीजिए कि अगर चिंटू की गाड़ी किसी 5-स्टार होटल में कमर्शियल वाहन के तौर पर इस्तेमाल होती है तो उसकी नंबर प्लेट काले रंग की होगी, जिसपे पीले रंग से नंबर लिखे हुए होंगे। लाल रंग की नंबर प्लेट चिंटू को नहीं मिल सकती। लाल रंग की नंबर प्लेट भारत के राष्ट्रपति और अलग अलग राज्यों के राज्यपाल की आधिकारिक गाड़ियों में ही लगी होती है। इन प्लेट्स में गोल्डन कलर से नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इन गाड़ियों में लाल रंग की नंबर प्लेट पर अशोक स्तंभ बना हुआ होता है। हालांकि 2018 के पहले तक इन VVIP सरकारी वाहनों पर नंबर की जगह सिर्फ अशोक चिन्ह बना होता था। इसके अलावा लाल रंग की नंबर प्लेट उन गाड़ियों पर भी लगाई जाती है जिन्हें कार निर्माता कंपनियां टेस्टिंग के लिए सड़कों पर उतारती हैं। इस तरह की गाड़ियों को टेम्प्ररी नंबर्स दिए जाते हैं। इन नंबर्स की वैलिडिटी 1 महीने की होती है। नीले रंग की नंबर प्लेट उन गाड़ियों पर लगाई जाती है जिनका इस्तेमाल फॉरेन डिप्लोमैट्स यानी विदेशी राजनयिक करते हैं। इस प्लेट पर सफ़ेद रंग से नंबर लिखे जाते हैं। ये प्लेट बताती है कि गाड़ी विदेशी दूतावास की है या फिर UN मिशन के लिए है। इन पर DC यानी डिप्लोमैटिक कॉर्प्स, CC यानी कि कॉन्सुलर कॉर्प्स, UN यानी कि यूनाइटेड नेशन जैसे अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं। ये नंबर प्लेट भी चिंटू को नहीं मिल सकती है। इस तरह के तीर के निशान आपको मिलिट्री वाले वाहनों पर देखने मिल जाएंगे। ये नंबर प्लेट डिफेंस मिनिस्ट्री ही इशू करती है। इन गाड़ियों में पहले या तीसरे नंबर की जगह ऊपर की ओर इशारा करता हुआ एक तीर का निशान बना होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। तीर के बाद के पहले दो नंबर्स उस साल को दिखाते हैं जिसमें सेना ने यह वाहन खरीदा था। ये नंबर 11 अंकों का होता है। अब रंगों का खेल तो समझ लिया, नंबर्स का गणित भी समझ लेते हैं। किसी भी व्हीकल को आखिर नंबर कैसे दिया जाता है? किसी भी नंबर प्लेट के कैरेक्टर्स 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। स्टेट या यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, गाड़ी का यूनिक नंबर और INT का साइन। किसी भी गाड़ी के नंबर के पहले दो अक्षरों से ये पता चलता है कि वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है जहाँ पर गाड़ी रजिस्टर की गई है। मान लीजिए अगर चिंटू ने उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीदी और रजिस्टर करवाई तो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट के शुरू के दो अक्षर होंगे UP, जिसका फुल फॉर्म होगा उत्तर प्रदेश।
नंबर प्लेट्स में इस तरह से राज्यों को दर्शाने का ये तरीका 1980 के दशक से शुरू हुआ था। अब स्टेट के बाद अगले जो दो अंक होते हैं वो बताते हैं जिला या आरटीओ कौन सा है जहां ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। हर राज्य में अलग अलग जिले होते हैं और हर जिले को अपना एक सीक्वेंशियल नंबर दिया जाता है। ये उस जिले या आरटीओ की हर गाड़ी के लिए फिक्स्ड होता है। अब अगर चिंटू ने नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाई है तो उसकी गाड़ी का नंबर यूपी 16 से शुरू होगा। अगर चिंटू ने गाड़ी बिहार के पटना जिले में रजिस्टर करवाई होती तो नंबर होता BR1। BR यानी कि बिहार और 1 जो है वो पटना जिले का रजिस्टर्ड नंबर होता। अब आता है तीसरा हिस्सा, ये 1, 2 या 3 अंक का हो सकता है। ये उस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO में चल रही सीरीज के हिसाब से तय होता है। ये A से Z तक कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी सीरीज चल रही है। मान लीजिए अगर आपका वाहन रजिस्टर कराते समय उस RTO ऑफिस में S सीरीज चल रही होगी तो आपकी गाड़ी के नंबर का जो तीसरा पार्ट होगा वो S सीरीज से होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में चौथा हिस्सा उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो यूनिक होता है। ये 1 से लेकर 9,999 तक का नंबर हो सकता है, लेकिन अगर किसी इलाके में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 9,999 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? तो इस 4 डिजिट के नंबर से पहले एक लेटर जोड़कर उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। वहीं अगर उस सीरीज में भी 10,000 वाहन रजिस्टर हो जाते हैं तो नंबर से ठीक पहले 2 लेटर जोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से गाड़ियों का नंबर डिसाइड होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली बार अब जब आपको गाड़ियों की नंबर प्लेट में ऐसे कलर्स दिखाई देंगे ना तो आपकी बगल की सीट में जो फ्रेंड बैठे होंगे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ गरिमा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।